अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आपने हमारी तैयारियाँ तो देख ही ली हैं, तो आज ही हमारा प्लान बना था पिकनिक पर जाने का। तो सुबह अभी मैं बिस्तर में ही थी तो मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आई कि हम ऐसे पिकनिक पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप भी जो है हमारे साथ ज्वाइन हो जाएँ। तो हमने कहा ठीक है फिर, क्योंकि साथ में अगर पिकनिक पर कहीं जाते हैं तो वो पिकनिक का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है, यानी बढ़ जाता है और भी ज़्यादा हो जाता है। अकेले में हम कहीं जाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता जितना हम किसी के साथ मिलकर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बुलाया और हम जो है फ़ौरन से रेडी हो गए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो घर में वक्त भी हम जो है ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं रास्ते में। तो ये है जो एलिफेंट जोन, तो यहाँ पर सारे जगह जो है फेंस बने हुए थे क्योंकि एलिफेंट जो है बाहर की तरफ ना आए इसकी वजह से। तो हमने बहुत गौर से देखा कोई एलिफेंट हमें नज़र आ जाए, वो नहीं, लेकिन कोई एलिफेंट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। बहुत मरतबा ऐसा होता है जब भी हम कहीं गुजरते हैं मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ नज़र आ जाए, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। कुछ भी हमें रास्ते में आज तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई जब भी हम कहीं से गुज़रते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था, किसी चीज़ की कोई रास्ते में हमें दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िंदगी में इंसान रोज़ रोज़ के काम की वजह से घर में वही काम वही रूटीन इंसान जो है उगता जाता है और अपनी जो है रोज़मर्रा की मसरूफियात से छुटकारा भी पाना चाहता है और घर से बाहर किसी पुरसकून जगह जाना चाहता है और वहाँ पर जो है अपना दिन गुजारना चाहता है। तो जहाँ पर अभी हम जा रहे थे वो एक फॉल्स है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं था बिल्कुल भी, फॉल्स के ऊपर से पानी नहीं गिर रहा था, बहुत ही सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पर और पानी जो भी था वो बहुत ही गंदा और मैला कुचेला हो चुका था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये जो है शायद फॉल्स से कनेक्टेड है यहाँ पर, और ये हम देखने के लिए जा रहे थे आके। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, फिर हम वापस पलट कर आए और जहाँ पर फॉल्स था हम वहाँ पर गए उसके बाद निकलकर। और फिर हमें पता चला कि फॉल्स में से तो पानी गिर रहा है लेकिन इतना कम गिर रहा है कि क्या बताऊँ। और उससे देखने के लिए हमें जो है ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ना पड़ेगा, तो हमने जो है जाने से इनकार कर दिया मैंने और मेरी फ्रेंड ने। तो साहब और उनके फ्रेंड ने जो है जाके देख कर आ गए थे वो कि कहाँ और कितना पानी गिर रहा है, तो वो वीडियो बना के भी लाए थे, अभी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो देख लीजिए इतने से पानी में ही लोग जो है इतना परेशान हो रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं और नहाने के लिए खेलने के लिए। हमें बड़ा ही अजीब लग रहा था, अगर गिर गए कुछ हो गया तो कितनी परेशानी होगी, यानी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना ख़तरा है खेलने के लिए, फिर भी लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर खेल रहे थे। हमें तो देखकर बड़ी हैरानी हुई, भला बताएं पानी में खेलने के लिए इतना भी क्या परेशान होना, इससे भी क्या खेल है कि इंसान जो है अपनी जान से भी बढ़कर जो है खेलने में लग जाए। तो हम तो यहाँ पे नहीं गए थे, बस ये लोग जाके वीडियो बना के आए थे। अगर पैर फिसल गया पत्थर से कुछ हो गया तो अल्लाह ही मालिक है फिर तो। तो हम तो बस नीचे ही थे और यहाँ पर फिर खानम को जो है घोड़े पे बैठना था लेकिन भीड़ बहुत थी, तो उसके बाद हम यहाँ पर कार में से सामान निकालने लगे और फिर हम जो है बैठने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे थे ताकि जो है हम अपना सामान वगैरह रख कर आराम से पुरसकून होकर बैठ जाएं एक जगह पर। तो चलिए फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ बैठे थे पहले। और यहाँ पर इतने बंदर थे, खानम जो है बंदर से इतना डरने लगी और जो है जाकर पानी में गिर गई फिर, और अपना पूरा पैर और पैंट जो है पूरी तरह से इन्होंने गंदी कर लिया था। फिर इनके जो है फादर को इतना गुस्सा आ गया कि क्या बताऊँ, यानी बंदर तो चला गया था फिर भी इनका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा था बंदर का। तो होता ही है, बच्चों को डर लगता ही है, हम तो बड़े हैं समझ जाते हैं कि बंदर चला गया, लेकिन बच्चों को जो है समझने में थोड़ी देर लगती है। और जो है बेचारी बच्ची डर के मारे जो है, केक भी उन्होंने हाथ में पकड़ा था और केक का भी जो है अंदर पूरी तरह से शक्ल बिगड़ गई थी केक की, यानी केक जो है फिर सही सलामत नहीं रहा था खानम के हाथ में। तो चलिए फिर देखिए हम यहाँ से होते होते गुज़रते गुज़रते अपनी जगह पर पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोग आए थे, बेंगलुरु में आप कहीं भी जाएं आपको लोग इतने मिलेंगे, किसी भी जगह आप चले जाओ वहाँ पर आपको लोगों का हुजूम मिलेगा। और कोई ऐसी जगह नहीं है बेंगलुरु में जहाँ पर आपको लोग नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा मॉल नहीं है, कोई ऐसा पिकनिक प्लेस नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ पर लोग नहीं हैं। हर जगह आपको माशाल्लाह लोग नज़र आएंगे हर जगह। और ये जो पानी है इतना गंदा था, इसमें तो ऐसा हो रहा था कि हम पैर भी ना धोएं अपना। लोग कैसे इसमें उतर कर खेल रहे थे, इतना गलाजत, इतनी कचरा यहाँ पर गिरा हुआ था इस पानी में कि क्या बताऊँ। हमें तो बड़ा ही गलीज लगा, बड़ा ही गंदा लगा, हमने जो है बिल्कुल भी पानी में खेलना। देखिए आप आसपास कितना गंदा पानी खड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर से हम पत्थरों पर से होते हुए उस साइड जाने लगे थे, तो ऐसे ही करके खानम जो है पानी में गिर गई थी फिर।
तो ये रास्ता बिल्कुल भी बच्ची के लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन किसी तरह से जो है साहब ने उनको वहाँ से लाने की कोशिश की और खानम जो है पानी में गिर गई फिर। और ये देखिए आ रही है वो पानी में गिरकर, और साथ ही उन्होंने केक भी पकड़ा हुआ है हाथ में और खूब अपने अब्बू की डांट भी खा रही है साथ ही साथ। खानम को जो है कहीं ना कहीं ज़रूर गिरना होता है हमेशा, जब तक वो गिरती नहीं है उनको चैन नहीं आता है। तो देखिए किस तरह से उन्होंने अपने अपनी हालत ख़राब कर ली है सब जगह गिरकर। और फिर हमने जो है अपनी जगह तब्दील कर दी, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही बंदर थे और हमें बहुत ही खौफ आ रहा था बंदर से, कहीं कुछ सामान भी उठाना ला जाएँ या हमें कोई नुकसान ना पहुँचाते, इस खौफ से हम जो है अपनी जगह फिर हमने चेंज कर ली। तो जब तक हम एडजस्ट वगैरह हो रहे थे, सब कुछ ठीक कर रहे थे, इतनी देर में मेरे फ्रेंड वगैरह भी आ गए थे माशाल्लाह। तो इन्हीं का आइडिया था जो कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। आज हम कुछ पकाते नहीं है, बाहर से पार्सल ले लेंगे, तो मुझे उनका आइडिया बड़ा ही अच्छा लगा। तो हमने जो है आते हुए रास्ते से पार्सल कर लिया था, बिरयानी वगैरह जो भी बच्चे शौक से खाते हैं, तो वो भी अपने साथ अपना पार्सल लेके आई थी साथ में, और हमने भी जो है अपना पार्सल साथ में ही लेके आए थे। तो तकरीबन हम यहाँ पर आधे एक घंटे में पहुँच गए थे और माशाल्लाह से ये भी पहुंच गई हैं। तो ये भी जो है अपने सारे लवाजिमात के साथ पहुंच गई हैं। और हमने डिसाइड किया था कि जैसे ही वो आएंगी हम सबसे पहले अपना लंच करेंगे और उसके बाद जी हम अपनी पिकनिक जो है एंजॉय करेंगे, यानी खेलेंगे कूदेंगे, जो भी बच्चों ने करना है वो करेंगे और हम जो है आपस में बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे। तो चलिए फिर अब हम निकालते हैं अपनी अपनी पार्सलें और जी हम अब सर्व करने लगे हैं अपनी फैमिली को। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम लेकर आए हैं दोनों तरफ से, और फिर हम देखेंगे कि किसमें क्या निकालना है और फिर उस तरह से हम निकाल कर सबको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से बड़ी ही तैयारी के साथ आई थी वो, बहुत ही सालों के बाद मैंने जो इस तरह की पिकनिक इंजॉय की थी। मतलब बेंगलोर में अपने घर पे होती हूँ तो मैं वहाँ पर तो हम जाते हैं, मेरी फैमिली जो है बहुत ही बढ़िया है माशाल्लाह से, हम वहाँ पर भाई बहनें बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। भाई बहनें जो होती हैं वो अगर ना हो आपके तो आप फिर कुछ इंजॉय नहीं कर सकते ज़िंदगी के, आप मज़े नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर मेरे कोई है नहीं, तो हम जो इस तरह की पिकनिकें कभी किए नहीं यहाँ पर, अगर कोई आ जाते हैं तो हम कहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जो है अपनी बहनों की अपने भाइयों की जैसे लगी ये आज। और मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसी जगह में लाना चाहिए बजाय इसके कि हम उनको मॉल ले जाएं या कहीं और ले जाएं, क्योंकि अगर हम उनको मॉल्स में ले जाते हैं तो वो जो है फिर वहाँ पर जो प्ले एरिया होते हैं या फिर वहाँ पर जो गेम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जाने की ज़िद करने लगते हैं, तो ऐसे गेम्स वो खेलते हैं जैसे वीडियो गेम्स होते हैं वैसे गेम्स वहाँ पर बने होते हैं बहुत सारे, और इतने सारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और बच्चे कुछ फिज़िकल एक्टिविटी भी उनकी नहीं होती है, फिर वही होता है जैसे घर पे खेलते हैं, यानी बैठे जगह बैठ के वहाँ पर भी वो गेम्स खेल के आ जाते हैं, यानी इन्जॉयमेंट होती है लेकिन कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है उनकी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की पिकनिक हमें करनी चाहिए हमेशा बच्चों को लेकर। तो हम लोग तो ऐसे आते नहीं हैं क्योंकि अकेले आने में भी कोई मज़ा नहीं है, अकेले पिकनिक करने में कोई मज़ा नहीं है। तो खाने से पहले इन सब ने अपने हाथ धो लिए थे, फिर अब ये बैठ गए खाने के लिए। तो माशाल्लाह खाने का हमारा अच्छा खासा अहतमाम हो गया है दोनों तरफ से। और शबना का जो छोटा बच्चा था वो इतना परेशान किया उनको कि क्या बताऊँ, वो बच्चा जो है ना खुद खा रहा था और ना उनको खाने के लिए दे रहा था। मैं तो देख देख के थक रही थी और मैं ये सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है बड़े हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों ने मुझे परेशान नहीं किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं तो मुझे आदत नहीं रही अब वो देखने की। तो जब उनका बच्चा रो रहा था तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैं कह रही थी कि पता नहीं आप इनको कैसे संभाल रही हैं। तो खानम के इसी रोने की वजह से हमने फिर उनको पैसिफायर लगवा दिया था ताकि वो जो है थोड़ा खामोश रहें। तो उनको पैसिफायर की इतनी आदत हो गई थी, अगर पैसिफायर उनको 2 मिनट के लिए भी नहीं मिला तो वो जो है सर पर उठा लेती थी, तो इतनी उनको आदत हो गई थी। तो हमने जो है बहुत सारे पेयर्स ला कर रखे थे फिर पैसिफायर के, ताकि जैसे ही वो रोने लगे यानी अगर गुम भी हो जाए तो दूसरा एक्स्ट्रा हमारे पास हो। तो इस तरह से हमने जो है खानम को बड़ा किया, बहुत रोती थी, बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन अब वो बड़ी हो गई हैं तो हमें आदत नहीं है। जब मैं बच्चे को देख रही थी तो मैं बार बार शबना से यही कह रही थी कि आप पता नहीं इनको किस तरह से संभालती हैं, किस तरह से संभालती हैं, यही मेरे मुँह से बार बार निकल रहा था। फिर इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माओं के कदमों तले जन्नत रखी है, तो ऐसे इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया अल्लाह ताला ने। तो वो एक टाइम होता है, सबको उस टाइम से गुजरना पड़ता है, हर एक का वो टाइम होता है, हर एक का बच्चा रोता है, हर एक के बच्चे जो है उनको सताते हैं, परेशान करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी के बच्चे ने उनको परेशान नहीं किया है, सब के साथ ऐसा होता है।
सबके बच्चे जो है रोते हैं, सबके बच्चों ने जो है परेशान करके बड़ा होना होता है। तो माशाल्लाह से हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है। तो मैंने जो है सब कुछ समेट लिया था, फिर जहाँ जो चीज़ थी और गंदे बर्तन मैंने जो एक जगह समेट दिए थे, और बाकी जो भी कचरा था वो मैंने एक बैग में कर दिया था। और यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चे अब खेलने लगे हैं। तो बच्चों के इस तरह से खेलते हुए देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो माशाल्लाह बच्चे जो है बड़े ही खुश होकर खेल रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक से दो चार बच्चे हो गए थे, तो इन्होंने जो है एक साथ बहुत इंजॉय किया खेला। तो शाम होने तक इन बच्चों ने खूब खेला, खूब इंजॉय किया, जो मर्ज़ी आया इन्होंने खेला, उछल कूद खूब किया आज। और यहाँ पर हम जो है अब समेट रहे थे सब कुछ ताकि हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि शबना जो है आज खासी तैयारी करके आई थी चाय बनाने की भी, तो ये पैन वगैरह लेके आई थी, दूध वगैरह भी लेके आए साथ में, दूध नहीं सॉरी दूध पाउडर लेके आई थी। तो यहाँ पर जो है इन्होंने सोचा था कि आज चूल्हा लगा के चाय बनाएंगे, तो वहाँ से निकल कर हम लोग यहाँ आए थे। फिर तो यहाँ पर आकर हमने फिर चूल्हा लगाया था, माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ा आया आज चूल्हा लगा के चाय बनाने में। तो मुझे जो है अपने खेत की याद आ गई फिर, क्योंकि हम अपने खेत में जाकर इसी तरह से चूल्हा वगैरह लगाकर चाय वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह का हमने कभी कुछ नहीं किया, तो जब एक साथ सब मिलते हैं तो इस तरह के बड़े मज़े होते हैं, अकेले में मैं कहती हूँ कि कोई मज़ा नहीं है, तो दो से चार लोग मिल जाते हैं तो ही मज़ा आता है। तो माशाल्लाह से देखिए ये जो है सब लोग मिलके चूल्हा लगा रहे हैं यहाँ पर, हमको इन्होंने कुछ भी करने नहीं दिया, चूल्हे का इंतज़ाम इन्होंने जो है सारे मर्द हजरात ने मिलकर ही चूल्हे का इंतज़ाम किया, और ख़ुद ही जो है फूंक मार मार कर इन्होंने चूल्हे को जलाया। तो ये जो शबना के हस्बैंड है उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत सा एक स्पॉट है, वहाँ पे हम जाके चाय बनाते हैं। तो हम यहाँ पर आके देखे तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत था, ये जो है यहाँ पर सीनरीज थे बहुत खूबसूरत था, सच में हम यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया, और बहुत खूबसूरती से हमने यहाँ पर बैठ कर चूल्हा लगाया। और देखिए किस तरह से ये लोग परेशान हो रहे हैं चूल्हा लगाने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन चाय बनी थी फिर इस चूल्हे पर, बहुत ही इंजॉय किया हमने। और बताया नहीं था मुझे शबना ने कि हम जो है यहाँ पर जो है चूल्हा लगा कर चाय बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। तो देखिए माशाल्लाह से इतने छोटे से चूल्हे में इतना सारा धुआं निकल रहा है, और बड़ी ही मज़े की चाय बनी थी, लेकिन फिर चूल्हा जो है बड़ी ही बेहतरीन तरीके से चल गया था, और चाय भी जो है बड़ी ही बेहतरीन बनी थी। और माशाल्लाह से बच्चे जो है वहाँ पे जाकर खेल रहे थे, और शाम होने तक हम यहाँ पर रुके थे। और ये जो पिकनिक थी मेरी बड़ी ही यादगार पिकनिक है, मैं इसको कभी नहीं भूलूँगी, और इस तरह की पिकनिक हम आइंदा भी इंशाल्लाह ज़रूर करते रहेंगे। बच्चे जब खेलने में लग जाते हैं तो उनको खाने पीने का बिल्कुल भी होश नहीं होता है, तो यहाँ पर वो आए भी नहीं और देखा भी नहीं उन्होंने कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या यहाँ पर स्नैक्स पड़े हुए हैं, बस वो लोग वहाँ पर निकल गए थे और बहुत देर तक वो नहीं आए, और इतना खेला उन्होंने आज के क्या बताऊँ। और यहाँ पर ये देखिए दोनों जो है कितने परेशान हो रहे हैं, चूल्हे के सामने बैठ गए हैं और अपनी आंखें जो है चूल्हे के सामने लाल कर रहे हैं बैठकर। और हम जो है बड़े मज़े कर रहे थे वहाँ पर बैठकर, मैं और शबना आपस में खूब बातें कर रहे थे, क्योंकि ये लोग हमें आने ही नहीं दे रहे थे, तो हम भी जो है बड़े मज़े से बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहे थे। और देखिए कितनी खूबसूरत सी लकड़ियाँ चुनकर लाए थे ये लोग जाकर छोटी छोटी सी, और माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी चाय बन रही थी यहाँ पर, बड़ी ही मेहनत की, घर पे तो ये लोग चाय बनाते नहीं हैं, और यहाँ पर देखिए कितनी खुशी खुशी बढ़कर ये लोग चूल्हा जला के चाय बना रहे थे, हालांकि घर में स्टोव हुआ करते हैं, बड़ी आसानी से चाय भी बन जाती है, लेकिन ये लोग यहाँ पर चूल्हा जला जला कर चाय बना रहे थे। और ये देख तो ये दोनों साहब जो है बड़ी खुशी खुशी काम कर रहे थे क्योंकि उनको जो है काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर हम जो है स्नैक्स निकाल रहे थे बैठकर, और बच्चे भी आ गए थे,
और हाथ वगैरह धोकर ये बैठ गए स्नैक्स खाने के लिए। तो माशाल्लाह जो है शबना जो है खूब स्नैक्स लेकर आई थी लुलू मॉल से। तो जब तक हम यहाँ पर स्नैक्स कर रहे थे वहाँ पर चाय बनकर तैयार हो चुकी थी और साहब जो है कप्स में डालने लगे हैं चाय और बेहतरीन सी चाय बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह चाय बड़ी ही टेस्टी बनी थी और बड़ी ही मज़े की बनी थी और चूल्हे का जो धुएँ की टेस्ट की चाय होती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो चाय वगैरह पीने के बाद हमने फिर उनको घर पर इन्वाइट किया था और उसके बाद हम चले गए थे घर। तो घर जाने के बाद मैंने जो है फ्रेश वगैरह होने के बाद कपड़े चेंज किए और बच्चों ने भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए। तब तक वो लोग भी आ गए थे और मैंने उनको जो है बहुत ही इसरार करके बुला लिया था फिर। और सबसे पहले हमने पी थी चाय, फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है शाही टुकड़ा बनाया था और अगर मुझे पहले याद होता तो मैं उनको ज़रूर पहले शाही टुकड़ा ही दे देती। और शाही टुकड़े की जो वीडियो थी वो मेरे से डिलीट हो गई है तो उसकी वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई फिर। तो यहाँ पर जी ये लोग खाने लगे हैं फिर और यहाँ पर एक और जो है आइसक्रीम लवर है और ये खा रहे हैं आइसक्रीम। तो बच्चों ने जो है खूब आइसक्रीम खाई और हमने जो है चाय पी, फिर हमने शाही टुकड़ा खाया और उसके बाद ये लोग जाने लगे थे, फिर हमने इनको जो है ज़बरदस्ती बिठा लिया था। दोपहर से शाम तक हमने बहुत कुछ खा लिया था, बिल्कुल भी पेट में हमारे जगह नहीं थी कुछ और खाने के लिए। तो हमने सोचा कि कुछ लाइट सा ही हम खा लेंगे तो इसलिए मैंने जो है चावल बना लिए थे फिर सफ़ेद और उसके बाद जी बाहर से ये लेके आए थे दाल और कुछ ग्रेवी वेज। और उसके बाद यहाँ पर हम जो है दस्तरखान बिछाने लगे हैं अपना क्योंकि सब हम जो है एक साथ बैठ कर खाने वाले थे। और यहाँ पर मज़े की दाल हमारी आ गई है और मैं जो है इसको निकाल लूँगी जल्दी जल्दी। और माशाल्लाह से ये दाल जो है बड़ी ही मज़े की होती है और हमें बहुत पसंद। तो डिनर वगैरह करने के बाद हमने जो है सब कुछ समेटा। मैंने जो है किचन क्लीन नहीं की थी क्योंकि अगर मैं किचन क्लीन करने बैठ जाती तो फिर मेरे उनसे जो है ज़्यादा बातें नहीं हो पाती और वो फिर बोर होने लगती। मैंने जो है उनके जाने के बाद किचन वगैरह बहुत क्लीन की और उसके बाद मैंने जो है अपने लिए चाय बना ली। और यहाँ पर अब हम करने लगे हैं डिनर और डिनर वगैरह करने के बाद ये जो है थोड़ी देर बैठ कर चली गई थी। तो माशाल्लाह आज का हमने बहुत इंजॉय किया, खूब मज़े किए, सुबह से लेकर शाम तक रात तक हमने इंजॉय किया। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अगर कोई गलती हुई तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए, हादसों से हादसों से और शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम।